यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पांचवी फिल्म टाइगर 3 दिवाली के दौरान किस दिन रिलीज होगी। इस बात का फैसला भले अब तक न हो पाया हो, लेकिन ये तो तय हो चला है कि इस फिल्म का 16 अक्टूबर को आने वाला ट्रेलर कुछ धमाल होने वाला है। सलमान खान ने खुद बैठकर इस ट्रेलर को जांचा परखा है और अब ये लगने लगा है कि फिल्म टाइगर 3 उनके करियर के लिए नई संजीवनी साबित हो सकती है। सलमान खान कहते हैं, लोगों ने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्में देखी हैं और इसके चलते उनकी उम्मीदें भी अब इस फ्रेंचाइजी की हर फिल्म से बढ़ती ही जाएगी। इन दर्शकों को पर्दे पर कुछ ऐसा दिखाना जरूरी है जो आश्चर्यजनक रूप से अद्वितीय हो। टाइगर 3 की टीम ने इसीलिए इस फिल्म में एक्शन का दायरा वाकई बहुत बढ़ा दिया है। इसे शानदार होना ही है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3 के ट्रेलर को लेकर इंटरनेट पर खासी उत्सुकता बनी हुई है। ये फिल्म यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय का खुलासा करने के लिए तैयार है। रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौड़ की कहानी कहती टाइगर फ्रेंचाइजी अब इस स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा फिल्म पठान से बन चुकी है। फिल्म एक था टाइगर में अविनाश सिंह राठौड़ पाकिस्तानी साजिश का खुलासा करते करते खुद एक पाकिस्तानी एजेंट से प्यार कर बैठता है। फिल्म टाइगर जिंदा है की कहानी इकरित जाती है और वहाँ ये दोनों मिलकर IS की कैद से नर्सों को आजाद कराते हैं। YRF स्पाई यूनिवर्स की चारों फिल्में सुपरहिट रही हैं और हिंदी सिनेमा की इस अनोखी फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर 100% ब्लॉकबस्टर परिणाम दिया है। इस फ्रेंचाइजी की दो और फिल्में वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा इस यूनिवर्स में एक महिला रॉ एजेंट की भी एंट्री तय हो चुकी है। ये किरदार आलिया भट्ट को मिला है। इस यूनिवर्स में इसके पहले कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण महिला जासूसों के तौर पर नजर आ चुकी हैं, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से रहा है। सलमान खान कहते हैं, फिल्म टाइगर 3 की टीम ने इस बार उन चीजों को आजमाया और अपनाया है जो किसी भारतीय फिल्म में कभी नहीं देखी गई। इन बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक्शन दृश्यों का हिस्सा बनना मुझे खूब पसंद आया और जब मैं उन दृश्यों को कर रहा था तो मैं सेट पर किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह ही था। अब जब हम इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करेंगे तो दर्शकों को भी ऐसे ही कुछ लम्हों से रूबरू कराएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।